हेलो दोस्तों, मैं सूरज सर आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूँ एक नए वीडियो में। दोस्तों ये वीडियो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है बिकॉज हर एक स्टूडेंट जो भी स्टडी करता है, चाहे वो जो भी कोर्स करता है या वो जो भी फील्ड में एजुकेशन रिलेटेड स्टडी करता है, उन सभी स्टूडेंट का, उन सभी दोस्तों का एक ही मकसद होता है। वो मकसद है उनका करियर, राइट दोस्तों। हर एक स्टूडेंट अपने करियर को लेके बहुत डिटेल में सोचता है और उसके रिगार्डिंग प्लानिंग करता है और उसका उसके रिगार्डिंग वर्क करता है। तो दोस्तों मुंबई यूनिवर्सिटी ने भी इन ही सभी स्टूडेंट को रिलेटेड लेके एक इम्पोर्टेंट नोटिस जारी किया है। इसे मैं नोटिस नहीं, इसे एक मैं इंफॉर्मेशन कहूंगा। आज मैं नोटिस नहीं, एक इंफॉर्मेशन करूंगा जो सिर्फ और सिर्फ आपके करियर को लेके है। दोस्तों वीडियो तो मैं चालू करूंगा, वीडियो चालू करने के पहले आज मैं सब्सक्राइब करो या ना करो, जितने भी नए लोग हैं वो उनके ऊपर है, लेकिन एक चीज कहूंगा, जिस तरीके से कि हर इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों तक प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये इंफॉर्मेशन काफी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है सभी स्टूडेंट को लेके, जितने भी स्टूडेंट एजुकेशन से जुड़े हुए है, जो एजुकेशन के रिलेटेड जॉइंट है। आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है दोस्तों कि आप भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं कि ये आपके करियर को लेके बात होने वाली है, ठीक है। अब करियर वो भी किन्स के करियर, जो भी एरिया से आप स्टडी करते हो, ठीक है, आपको जो भी एरिया में इंटरेस्टेड हो। देखिए एरिया कौन कौन सी वो भी मैं आपको बता दूं, मैनेजमेंट है, कॉमर्स है, फाइनेंस है, ठीक है, साइंस है, आर्ट्स है एंड आईटी फील्ड। अब जो भी फील्ड के रिलेटेड हो, आपको सबसे पहले मुंबई यूनिवर्सिटी में आपको उसका फॉर्म फिल करना होगा। दोस्तों मैं फॉर्म पहले दिखा देता हूं आपको कैसे फिल करना है, क्या क्या डिटेल देना है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज एंड में बताने वाला हूं, तो वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक जरूर देखना। जैसे कि मैं ज्यादा स्टूडेंट मेरे साथ जो जुड़े हुए वो है कॉमर्स, ठीक है, और साइंस के, ठीक है, तो मैं कॉमर्स पे एक बार क्लिक कर देता हूँ तो आपको एक आइडिया आ जाएगा। आप जो भी मैनेजमेंट, कॉमर्स, फाइनेंस, साइंस, आर्ट्स, जो भी फील्ड से रिलेटेड है, आप उसके ऊपर जाके क्लिक कर दीजिए। क्लिक जैसे ही करोगे दोस्तों आपके सामने एक पेज आ जाएगा जो एक गूगल फॉर्म का होगा। इसमें आपको अपने डिटेल देना है। दोस्तों डिटेल में क्या क्या है मैं थोड़ा फास्ट बता देता हूँ। आपको आपका ईमेल एड्रेस देना है, ठीक है, आपका स्टूडेंट का नाम देना है, फादर का नाम देना है, फादर का ऑक्यूपेशन मतलब जो भी आपके फैमिली हेड होंगे उनका ऑक्यूपेशन क्या क्या करते हैं, फैमिली की इनकम क्या है वो आपको बताना है, स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ मतलब आपका तारीख बताना है कि आप कब पैदा हुए थे, आप मेल हो फीमेल हो जो भी आप वो बता दीजिए, आपका मोबाइल नंबर आपको मेंशन करना है, वही मोबाइल नंबर मेंशन करना जो वैलिड हो, आपका रेसिडेंटल एड्रेस मेंशन करना है, ठीक है, आपका टाउन सिटी मेंशन करना है, साथ में आपने जो भी लेटेस्ट एजुकेशन कंप्लीट किया होगा, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन आप उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए, साथ ही साथ आपके कॉलेज का नाम डाल दीजिए, आपका पैन कार्ड आधार कार्ड जो भी आपके पास हो वो डाल दीजिए, आईडी प्रूफ डाल दीजिए और इसके बाद आपको करना है नेक्स्ट। ये डिटेल आप अगर फिल कर लेते हो दोस्तों तो इससे ये कंफर्म हो जाता है कि आपने इंटरेस्टेड हो मुंबई यूनिवर्सिटी के करियर गाइडलाइन इंफॉर्मेशन जानने में, करियर गाइडलाइन को लेके, करियर को लेके सीरियस हो, जिस वजह से आपको कॉल आएगा और आपको बुलाया जाएगा। लेकिन उसके पहले आगे के और इन्फॉर्मेशन देने के पहले दोस्तों आप लोग कुछ और भी चीज बता दूं जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए काफी जरूरी है कि आपने ये जो डिटेल फिल करने वाले हो, ठीक है दोस्तों, अब नीचे मैं कुछ और भी आपको इन्फॉर्मेशन दिखा देता हूँ, वेट कर लीजिए, इधर तक का हमने बात कर लिया है। दोस्तों ये देखिए, ये जो आपका करियर गाइडलाइन है, ठीक है, उसके बारे में लिखा हुआ है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज, जो वेरी इंपॉर्टेंट चीज है वो थोड़ा नीचे लिखी हुई है, वो क्या है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है दोस्तों। काफी बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ इनका डील रहता है। हाँ, आप अगर ये करियर गाइडलाइन इधर से अगर करते भी है, आप ये लेक्चर अटेंड करते हैं, तो आपको जॉब की भी अपॉर्चुनिटी अच्छी खासी मिल सकती है। दोस्तों इनका जो ये करियर सेशन होने वाला है वो 17 जैन को, 23 जैन को, 24 जैन को होने वाला है। टाइमिंग है मॉर्निंग 10 से इवनिंग के 5 o'clock का। और दोस्तों आपको ये रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा जिसका फीस है दोस्तों 125, ये फीस आपको पे करना होगा दोस्तों। लेकिन काफी इंपोर्टेंट ये सेशन होने वाला है, सेमिनार होने वाला है, और ओनली 500 सीट अवेलेबल है, मतलब 500 से ज्यादा स्टूडेंट को इधर बुलाया नहीं जाएगा। अगर जिन स्टूडेंट ने 500 स्टूडेंट ने पहले रजिस्ट्रेशन कर दिया
वही स्टूडेंट ये सेमिनार अटेंड कर पाएंगे, दूसरे लोगों को ये मौका नहीं मिलेगा। तो दोस्तों मेरा एक ही कहना है कि 125 ज्यादा बिग अमाउंट नहीं है, छोटी सी अमाउंट है जो आपको जरूर पे करना चाहिए मुंबई यूनिवर्सिटी को, और आप अपने करियर जो भी एरिया है उसके रिलेटेड आपको रियली सोचना चाहिए और उसके रिलेटेड रियली वर्क करना चाहिए, और आपको डेफिनेटली आप जो भी अमाउंट डालोगे उसके रिलेटेड आपको नॉलेज मिलेगा। दोस्तों मुझे कुछ आइडिया नहीं है कि उधर क्या होने वाला है क्या नहीं, लेकिन हाँ ट्रस्ट है कि जो होगा वो अच्छा ही होगा। खासकर ये आप लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि आपके लिए शायद कुछ ना कुछ बेनिफिट इसके अंदर छुपा हो। तो आई होप दोस्तों कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो फिर क्यों सोच रहे हो, बिंदास लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिए, अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए ये तो जरूर करना। फिर से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।